नमस्ते नेचर। दोस्तों आज हम लोग 2021 के आखिरी दिन में हैं और मुझे आशा है कि ये 2021 आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहा होगा। लेकिन फिर भी ये 2021 पूरे विश्व के लिए आपदा बनकर आया। इस साल बहुत सारे तकलीफ पूरे दुनिया भर के लोगों ने सही, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। साथ ही साथ जैसा कहा जाता है, प्रकृति का नियम है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो मुझे आशा है और पूरी दुनिया आशान्वित है कि 2022 इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। तकलीफों के बाद लोगों के लिए अच्छी राह भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 2022 वेलनेस इंडस्ट्री का वर्ष होगा, क्योंकि इस साल 2021 में और पिछले कुछ समय में सभी लोगों को समझ में आ गया है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर थी या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी, इन सभी लोगों को कोविड के दौरान ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ज़्यादा तकलीफ का सामना पड़ा करना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया भी है। इस परिस्थिति में सभी लोगों को एक बात ठीक से समझ में आ गई है कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मालूम है 2020 से पहले भी वेलनेस इंडस्ट्री 4.5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। अभी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री 4 गुना रफ्तार से अपना कारोबार बढ़ाने वाली है। हम सबको जान के खुशी होगी कि इस वेलनेस इंडस्ट्री में, जिसमें कि लोगों को बीमारी से बचाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसी सेवाओं के ऊपर वेलनेस इंडस्ट्री काम करती है जहां लोग बीमार कम पड़े, उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनकी एंटी एजिंग इफेक्ट ज़्यादा हो। ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद, चूँकि भारतीय आयुर्वेद, भारतीय परंपरा चिकित्सा पद्धति जो हज़ारों सालों से चल रही है, इस आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पूरी दुनिया को अब समझ में आ गया है कि भारतीय जड़ी बूटियाँ जैसे आंवला च्यवनप्राश के रूप में सभी लोगों ने इस्तेमाल किया कोविड के टाइम में, गिलोई, तुलसी, भूमि आंवला और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जैसे दालचीनी, अश्वगंधा, पीपली, कुटकी, भृंगराज, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारी कंपनीज के लिए OEM यानी कि थर्ड पार्टी प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अभी पिछले कुछ समय से लगातार हमारे पास कई देशों की कंपनियों से रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम उनके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिंस, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स उनके ब्रांड के लिए तैयार करके दें। क्योंकि ये अचानक जो डिमांड बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि कोविड में भारतीय जड़ी बूटियों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे आंवला हो, गिलोई हो, तुलसी हो। इस परिस्थिति में हम भारतीयों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा अगर चाहते हैं कि भारत की तरफ आए इसके लाभ, तो इसलिए ज़रूरी होगा कि हम बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं। भारतीय जितने भी निर्माता हैं आयुर्वेदिक क्षेत्र में, या जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोग बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं, क्वालिटी से कहीं समझौता ना करें। सभी आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियां उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं, जिससे कि भारत की प्रोडक्ट्स का, इन जड़ी बूटियों का विश्वास पूरे दुनिया भर में बना रहे। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस डिमांड को फुलफिल करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी क्वालिटी से समझौता कर लें और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बना दें। क्योंकि थोड़े समय के लिए हम ग्रोथ ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय में जाके पुनः भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो हमेशा हमेशा के लिए वर्ल्ड लीडर बने रहने के लिए हमें उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 2007 से वृतिका हर्बोटेक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उच्च क्वालिटी के आयुर्वेदिक मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसी की वजह से आज हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। पूरे विश्व के 22 देशों के अंदर हमारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मौजूद हैं। रशिया और UK जैसे कंट्री में हमारे प्रोडक्ट बहुतायत में स्टोर्स पे अवेलेबल हैं। बहुत रेस्पेक्ट के साथ में लगातार हमारी सेल बढ़ रही है, कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। कोविड के टाइम में हमारा इम्यून प्लस जूस एक आता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही और हमने जितना मैक्सिमम सप्लाई हम लोग कर सकते थे हमारे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और हमारे मशीन्स की कैपेसिटी के अनुसार, उतना ही हमने किया, जबकि डिमांड कहीं ज़्यादा थी। हम चाहते तो आउटसोर्सिंग करके या क्वालिटी से समझौता करके हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बना सकते थे और हमारी सेल को बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसका नतीजा हमारे कस्टमर्स में विश्वास जगाए, आज वो कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं कई वर्षों से। भारत की कई अग्रणी कंपनियां हमारे साथ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं और आज हम भारतीय नहीं बल्कि भारत से बाहर की कई कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके ब्रांड में। उसके अलावा हमारे ब्रांड को हम लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अगस्त 15 से 2021 में
डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करी। जब से हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया है उसी दिन से लगातार हमारी कंपनी की यानी कि आप सब लोगों के सहयोग से इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों के अंदर ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है। और सुखद बात यह है कि डॉक्टर नेचर ने जिस समय इंडस्ट्री में कदम रखा उस समय ये इंडस्ट्री जो वेलनेस इंडस्ट्री है बहुत स्पीड से बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा तकरीबन 4 गुना रफ्तार से बढ़ेगी जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। कोविड के बाद लोगों को जैसा समझ में आ गया है कि इम्यूनिटी और डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है उनको तकलीफ ज्यादा हुई तो लोग चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट उनको मिले। एलोपैथी से विश्वास उनका कम हो गया है क्योंकि कोविड के टाइम में आप सब लोगों ने देखा कि एलोपैथी ने किस तरीके से हाथ खड़े कर दिए। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट लोगों पे किए गए, कोई भी दवा उनकी ठीक से काम में नहीं आई। जबकि आयुर्वेद जो 5000 साल पहले से जो जड़ी बूटियां उपलब्ध थी और जिनके फायदे लोगों को मालूम थे आज भी वो फायदे बरकरार हैं। गिलोय 5000 साल पहले भी इम्यूनिटी बढ़ाती थी और आज भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। वो 5000 साल पहले भी एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एंटी फंगल काम करती थी आज भी करती है। वातपित्त कफ को बैलेंस करती थी आज भी करती है और हजारों लाखों सालों के बाद भी वो करती रहेगी। तो आयुर्वेद एक अविरल प्रक्रिया है, वो कभी थमने वाला नहीं है। और इस समय हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोगों तक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं। डॉक्टर नेचर ने जैसे ही इस इंडस्ट्री में कदम रखा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके भारत में बहुत अच्छे नियम अभी रिसेंटली आए हैं। ये नियम आने के बाद हर वो पोंजी स्कीम वाली कंपनियां जो कि फर्जी तरीके से काम कर रही थी, सिर्फ लोगों का पैसा उठा के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही थी, उसमें से मोटा मुनाफा अपनी जेब में डाल रही थी, ये कंपनियों के बुरे दिन आ गए हैं। इन सभी कंपनियों के बुरे दिन आ गए हैं जो कंपनी फर्जी तरीके से व्यापार करती थी, जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिनकी प्रोडक्ट की कोई महत्वता नहीं है, जिनका प्रोडक्ट कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, जो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस भी नहीं दे पाते, सिर्फ लोगों का पैसा उठा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है नए नियमों में। बाकी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करने वाली है क्योंकि कचरा छटने वाला है, ये बादल हटने वाले हैं और जो अच्छी कंपनियां उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी देश की सरकार ने दिया है। तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस इंडस्ट्री की तरफ से, हमारे डॉक्टर नेचर परिवार की तरफ से। और आशा करता हूं कि सरकार और ज्यादा नियमों को इन खराब कंपनियों के लिए कड़ा करेगी और अच्छी कंपनियों के लिए और जो सहूलियत है वो देने की कोशिश करेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें अमेंडमेंट्स होंगे कुछ और, तो ये क्लियरिटी और होती जाएगी। फिलहाल ये नियम इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हम बात जब करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री की तो भारत की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस वेलनेस इंडस्ट्री में भारतीय जो जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बहुत कारगर हैं और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए और लाइफस्टाइल जो डिजीजे हैं, जैसे मैं बात करता हूं डायबिटीज की और हार्ट स्ट्रोक की। आज हार्ट स्ट्रोक की वजह से लाखों लोग, तकरीबन भारत में भी हर साल 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हार्ट स्ट्रोक की वजह से और डायबिटीज की वजह से। इन लोगों को हम बचाने के अलावा हम बीमारी होने से भी लोगों को बचा सकते हैं और पूरे विश्व को आयुर्वेद का लाभ दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर नेचर का जो बिजनेस प्लान है वो ग्लोबल टर्नओवर पे आधारित है। सारी चीजें जो अभी आपको दी जाती है वो सारे ग्लोबल टर्नओवर के बेसिस पे दी जाती है। आप लोगों को खुशी होगी कि डॉक्टर नेचर अगले 1 साल के अंदर कई कंट्रीज के अंदर लॉन्च होने वाली है। बहुत सारी कंपनियां भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है लेकिन उनको काम करते करते 5-10 साल हो गए लेकिन अभी तक भी वो कंपनीज इंटरनेशनली जा नहीं पाई है। कहीं ना कहीं हर कंपनी का एक स्ट्रेटेजी होता है, एक प्लानिंग होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डॉक्टर नेचर विदेशों में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी भारत के साथ साथ, क्योंकि भारतीय उत्पादों की जो डिमांड है विदेशों में कहीं ज्यादा है। और मेरा जो अनुभव है पिछले 15 साल का, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जड़ी बूटियां विश्व के सभी देशों के लिए लाभकारी हैं क्योंकि हम बहुत सारे देशों में ऑलरेडी निर्यात कर रहे हैं, वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और मैंने डॉक्टर नेचर के विषय में मेरे रशियन मित्रों से और यूके के मेरे मित्रों से बात करी तो सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सभी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आए। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के सारे रूल्स और जो कानूनी प्रक्रिया है उनको पूरा करने में लगे हैं ताकि उन देशों में हम लॉन्च कर सकें। तो डॉक्टर नेचर में वो एसोसिएट जो अपने पोजीशंस को बढ़ा लेंगे, अपनी रैंक को बढ़ा लेंगे, जैसे आप जानते हैं कि हर रैंक के बाद में कुछ एडिशनली बेनिफिट आपको मिलने लगता है, कंपनी के टर्नओवर में से कुछ हिस्सेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आपका रैंक अगले 1 साल के अंदर बहुत ऊपर रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल टर्नओवर का हिस्सा ले पाएंगे। आप बहुत नीचे के लेवल पे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ टर्नओवर का हिस्सा ले पाएंगे जैसा कि आप हमारे प्लान को समझते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन को आप ऊपर कर लेंगे तो आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ सकती है।
जैसे कि आप जानते हैं, हम आज जो है 31 तारीख में खड़े हैं और इस साल का एक अंतिम दिवस है, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग बेहतर से बेहतर क्लोजिंग करें, अपनी रैंक को बढ़ाएं। वेलनेस इंडस्ट्री में नॉलेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, अगर हमें नॉलेज होगी तो ज्यादा लोगों को अच्छी सर्विस कर पाएंगे। जैसे कि आप नए नियमों भी देख रहे हैं, तो ये सारे नियम कस्टमर के बेनिफिट में है, कंज्यूमर के बेनिफिट में है कि कंज्यूमर का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर सिस्टम कोई है नहीं दुनिया में कंज्यूमर को बेहतर मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत अच्छी सेवाएं दी जाती है ताकि कंज्यूमर प्रोडक्ट को इस बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए, ज्यादा रिजल्ट ले पाए और वो लंबे समय तक प्रोडक्ट को उस कंपनी के साथ परचेज कर पाए। आपकी एजुकेशन इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नेचर ने एजुकेशन प्रोग्राम चला रखा है सूत्र, स्किल अपग्रेडेशन थ्रू रेगुलर एजुकेशन। ये रेगुलर एजुकेशन देना हमारा उद्देश्य इसलिए है ताकि हम आयुर्वेद के विषय में, नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के विषय में, बिजनेस के तरीकों के विषय में, बहुत सारे हम लोग इसमें ट्रेनिंग आपके लिए लाने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है हमारा आयुर्वेद को लेके, आप किस तरीके से आयुर्वेद आयुर्वेदिक औषधियों को उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को दे सकते हैं, कौन सी औषधि किस तरीके से काम करती है, आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है, इन सभी के लिए हम छोटे छोटे कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। फिलहाल 7 दिवसीय कार्यशाला के रूप में हम लोग ये ट्रेनिंग आपको करवा रहे हैं। भविष्य में ये 2-3 महीने के भी कोर्सेज होंगे और हमारे जो अन्य देशों में जो हमारे मित्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके लिए पॉजिटिव हैं, वो भी इन सब कोर्सेज का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी हम वहाँ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए आज आखिरी दिन इस साल का है, तो इस कोर्स को आप क्वालिफाई करें, क्लोजिंग को बेहतरीन शानदार करें ताकि अपनी रैंक को आप बढ़ा सकें। सिर्फ आप अपने विषय में ना सोचें, बहुत सारे एसोसिएट से मेरी सुबह बात हुई तो उनका कहना था कि मेरा सर सिल्वर क्वालिफाई हो गया है, मेरा गोल्ड क्वालिफाई हो गया है, मेरा रूबी क्वालिफाई हो गया। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आपको चिंतित होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन में कितने लोगों ने अपनी रैंक, अपना पिन बढ़ाया है। तो आप बाकी के जो समय आपके पास बचा है, तकरीबन रात में 12 बजे तक, 11:55 पे हम लोग क्लोजिंग करेंगे, उससे पहले पहले आप अपने सभी टीम के मेंबर्स की लिस्ट लेके बैठिए। आपके पास अगर लिस्ट नहीं है तो कंपनी को कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, हमारी टीम तत्पर बैठी है आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए। तो आप अपना टीम के साथ बैठें, टीम के साथ मीटिंग करें कि कौन से लोगों की क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट हुई है, कौन से लोगों की नहीं हुई है। बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं जिनको इस एजुकेशन प्रोग्राम का, इस कोर्स का लाभ लेना बाकी है, तो वो भी लाभ लें और उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी टीम बढ़ेगी। और जैसे मैंने कहा, ये वेलनेस इंडस्ट्री की जो बहुत बड़ी क्रांतिकारी समय जो आ रहा है, रिवोल्यूशन जो आ रही है इस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के अंदर हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। डॉक्टर नेचर इस इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी बनके और पूरे विश्व को लीड करेगी, ऐसा मेरा मानना है, और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग जरूर कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ये नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारा धन आपको मिले, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।